हेलो लर्नर्स, लास्ट लेक्चर की मदद से हम सब बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में कौन कौन से बदलाव आए। आज हमें बात करनी है हिटलर्स राइज टू पावर के बारे में, लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ फन फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर वन, हिटलर ने नाजी पार्टी की मदद से जर्मनी में राज करना शुरू कर दिया, लेकिन हिटलर जर्मन तो थे ही नहीं, हिटलर तो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। नंबर टू, बचपन में हिटलर एक प्रीस्ट बनना चाहते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर तो एक डिक्टेटर बन गए। इन्हीं फन फैक्ट्स को जानते हुए आज का टॉपिक हिटलर्स राइज टू पावर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर का बचपन और टीनेज बहुत ही गरीबी में बीता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर ने आर्मी ज्वाइन कर ली और हिटलर की ब्रेवरी की वजह से हिटलर को बहुत से मेडल्स भी मिले। 1918 में जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया तो हिटलर बहुत ही ज्यादा घबरा गए और पीस ट्रीटी ने तो उन्हें हिला कर रख दिया। इसीलिए 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली और थोड़े ही समय में एडोल्फ हिटलर इस पार्टी को लीड करने लगे। इस पार्टी का नाम भी बदल दिया गया, नाम रखा गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और स्टूडेंट्स, इसी पार्टी को हम लोग नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। 1923 में बोवेरिया पर कंट्रोल करने के लिए हिटलर ने प्लान करना शुरू कर दिया। अगर हम लैंड एरिया वाइज बात करें तो जर्मनी की लार्जेस्ट स्टेट का नाम बोवेरिया है। बोवेरिया पर कंट्रोल करने के प्लान में हिटलर हार गए और इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन दोस्तों थोड़े ही समय में उन्हें रिलीज भी कर दिया गया। 1930 तक नाजी पार्टी को जर्मन्स का सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन द ग्रेट डिप्रेशन के बाद नाजी पार्टी एक मास मूवमेंट बन गया और 1932 तक नाजी पार्टी जर्मनी की लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी, जिसके पास 37% वोट्स भी थे। अब दोस्तों, जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर नाजी पार्टी ने जर्मन्स को किस तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसे जानने के लिए एडोल्फ हिटलर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। स्टूडेंट्स, हिटलर एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर थे। भीड़ में जाकर स्पीच देना और सभी लोगों को अपनी बात से सहमत करा लेना उन्हें बहुत ही अच्छे से आता था। जानते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच की मदद से सभी जर्मन्स को कन्विंस कर लिया कि पीस ट्रीटी के किए हुए इनजस्टिस को सुधारा जा सकता है, सभी जर्मन्स की डिग्निटी को भी वापस लाया जा सकता है और जर्मनी की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को भी सॉल्व किया जा सकता है। एडोल्फ हिटलर ने पॉलिटिक्स को एक नया रूप दिया। जर्मन्स का सपोर्ट लेने के लिए एडोल्फ हिटलर ने रैलीज और रिचुअल्स का यूज करना शुरू कर दिया। नाजी पार्टी का सिंबल भी डिजाइन किया गया, स्वास्तिका सिंबल, और नाजिज्म सपोर्टर्स ने स्वास्तिका सिंबल को रेड बैनर के साथ यूज करना शुरू कर दिया। जर्मन्स ने एडोल्फ हिटलर को मसीहा का नाम दिया, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों के दुख को खुशी में बदलना जानता है। नाजी पार्टी की पावरफुल रैलीज के कारण जर्मन्स ने हिटलर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1933 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की सबसे हाईएस्ट पोजीशन यानी कि चांसलरशिप हिटलर को ऑफर की। इस पोजीशन के बाद एडोल्फ हिटलर और भी ज्यादा पावरफुल हो गए और सबसे पहले हिटलर ने जर्मनी से डेमोक्रेटिक रूल को खत्म कर दिया। इसीलिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का नाम है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। फरवरी में जर्मन पार्लियामेंट में आग लगने के कारण हिटलर को अपनी पावर्स एक्सपैंड करने का मौका मिला। दोस्तों, हम आज तक नहीं जान पाए हैं कि आखिर जर्मन पार्लियामेंट में आग किस तरीके से लगी थी। इस इंसिडेंट के कारण एक ऑर्डर पास किया गया, इसका नाम था फायर डिक्री। इस ऑर्डर के मुताबिक जर्मनी से सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। सिविल राइट्स को सस्पेंड करने के बाद एडोल्फ हिटलर ने
अपने दुश्मनों और कम्युनिस्ट के अगेंस्ट स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। जानते हैं दोस्तों, सभी कम्युनिस्ट को रातों रात कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंद कर दिया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को हिटलर ने ही डिजाइन किया था ताकि सभी दुश्मनों को यहाँ लाकर टॉर्चर किया जा सके। सिर्फ कॉम्युनिस्ट ही नहीं, हिटलर ने जर्मनी में 52 डिफरेंट तरह के लोगों के अगेंस्ट स्टेप्स लेना शुरू कर दिया था। 3 मार्च को एक इनेबलिंग एक्ट पास किया गया जिसके मुताबिक जर्मनी से डेमोक्रेटिक रूल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और हिटलर डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियंस को बैन कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी को ही लीगली ऑपरेट करना अलाउड था। जर्मनी की मीडिया, आर्मी और इकोनॉमी पर सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी का ही हक था। स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज किया गया ताकि जर्मन सोसाइटी को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जा सके। रेगुलर पुलिस के साथ साथ एडिशनल पुलिस का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे कि गेस्टापो, क्रिमिनल पुलिस और प्रोटेक्शन स्क्वाड्स। जानते हैं दोस्तों, इन सभी को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए जिसके मुताबिक जर्मन सोसाइटी में से किसी को भी कभी भी गेस्टापो चैम्बर्स और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया जा सकता था। किसी को भी बिना लीगल नोटिस के अरेस्ट करना भी अलाउड था। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हिटलर ने जर्मनी से डेमोक्रेटिक रूल हटा दिया और डिक्टेटरशिप इस्टैब्लिश कर दी। अब हमें बात करनी है कि आखिर हिटलर ने जर्मन इकोनॉमी को किस तरीके से रिकवर किया। इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हिटलर ने इकोनॉमिस्ट यानमार शाख्त को अपॉइंट किया। शाख्त ने स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के जरिए प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट 100% बढ़ा दी। इसके कारण जर्मनी में द फेमस वॉक्सवैगन कार और हाईवेज बनने लगे। फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो यहाँ भी हिटलर को बहुत ही जल्दी सफलता मिली। पीस ट्रीटी के मुताबिक बनी लीग ऑफ नेशंस से भी हिटलर ने जर्मनी को हटा दिया। इसके बाद दोस्तों, हिटलर ने राइन लैंड पर भी कब्जा कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी मर्ज हो गए। हिटलर ने इसे एक स्लोगन का नाम दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। थोड़े ही समय बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर भी अपना कंट्रोल जमा लिया। और जानते हैं दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ने बहुत सारा पैसा मिलिट्री और आर्म्स पर इन्वेस्ट किया हुआ था। इसीलिए शाख्त ने एडोल्फ हिटलर को एडवाइस किया कि इतना सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जर्मनी की फाइनेंशियल पोजीशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, नाजी पार्टी में सलाह देने वाले लोगों की जगह ही नहीं थी, इसीलिए शाख्त को इकोनॉमिस्ट की पोजीशन से हटा दिया गया। इतना सब होने के बाद भी एडोल्फ हिटलर नहीं रुके। हिटलर का मानना था कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन को हैंडल करना है या फिर जर्मनी के टेरिटरीज को एक्सपैंड करना है तो वॉर का हिस्सा बनना ही एक सोल्यूशन है। इसीलिए 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और यहीं से स्टूडेंट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस अटैक के कारण फ्रांस और इंग्लैंड के साथ वॉर शुरू हो गई। 1940 में एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया गया जर्मनी, इटली और जापान के बीच। इस पैक्ट की मदद से एडोल्फ हिटलर की इंटरनेशनल पावर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। फिर हिटलर ने ईस्टर्न यूरोप कॉन्कर करने का सोचा और 1941 में एडोल्फ हिटलर ने एक गलत स्टेप उठा लिया, सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया, जिसके कारण जर्मनी के वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिशर्स ने एरियल बॉम्बिंग की मदद से अटैक किया और जर्मनी के ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत आर्मीज ने अटैक किया। इस वॉर में जर्मनी बुरी तरीके से हार गया। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंपैक्ट को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी तक वर्ल्ड वॉर टू में इंटरवीन नहीं किया था, लेकिन जब जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवल बेस जिसका नाम था पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो यूएसए खुद को नहीं रोक पाया और इसीलिए
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू में इंटरवीन किया। यूएसए के वर्ल्ड वॉर टू में आते ही जापान की दो सिटीज जिनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू अटैक किया गया। दोस्तों अटैक के करते ही दोनों सिटीज 90% डिस्ट्रॉय हो गए और न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाइनली 1945 में खत्म हो गया और इस वॉर के खत्म होने के साथ साथ हिटलर का राज भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग निनाजी वर्ल्ड व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग हिटलर की आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ।